الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم काबिल कदर बुज़ुर्गो दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इस वक्त आप हजरात की खिदमत में सूरह तौबा की एक आयत करीमा तिलावत करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक अता फरमाई है। इस आयत करीमा का ताल्लुक हिजरत के वाकये से है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुवत का ऐलान फरमाया तो सारे लोग सरदार ख़ानदान के ज़िम्मेदार उस माशरे में जो लोग सरमायादार थे जो बड़े समझे जाते थे सब के सब मुखालफत पर उतर आए। ऐसा ही होता भी है जब कोई आदमी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को लेकर खड़ा होता है तो बाद लोगों को बहुत खुशी होती है। जिनके दिल बीमार हैं उन लोगों को परेशानी होती है। ये अल्लाह का तरीका है। ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होगा। उन लोगों को परेशानी होती है। मक्के वालों ने बहुत सताया, बहुत पीटा, मारा, कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मुखलिसीन को अपने हौसले पस्त करने की ज़रूरत नहीं है।
हर आदमी हालात का रोना रोता है, हालात तो आए हैं वो आते रहेंगे, हालात का रोना हालात का हल नहीं है। देखा यह जाता है कि उस हालात में हुक्म क्या है। हालात आएंगे तो आते रहेंगे, किसी पर कम किसी पर ज्यादा, किसी पर छोटे किसी पर बड़े। जो आदमी जितनी बड़ी जिम्मेदारी ओढ़ लेता है उतने ही ज्यादा और सख्त हालात का उसे सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अल्लाह की सुन्नत यह है कि उतने ही जबरदस्त और ताकतवर तरीके पर मदद भी मुतवज्जे होती है अल्लाह की। अगर अल्लाह की मदद ना होती तो यह इस्लाम एक इंच आगे ना बढ़ सकता। जिन हालात में यह पैदा हुआ, इस्लाम का ऐलान हुआ, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ, बज़ाहिर पनपने का कोई सबब मौजूद नहीं है। सारा मक्का मुखालफत पर तुला हुआ है। हालात आए तो एक तो आदमी को बेकाबू नहीं होना चाहिए, और हालात की वजह से अहकामात को पामाल नहीं करना चाहिए, और हालात का मुकाबला नाजायज अजबाब से नहीं करना चाहिए। अजबाब इख्तियार करने का तो हुक्म है, लेकिन नाजायज अजबाब इख्तियार करना यानी हालात का मुकाबला नमाज छोड़कर कर रहे हैं, हालात का मुकाबला भाई हालात आ गए मुसलमानों पर सूद को हलाल करो, ये तरीका इसका नहीं है। अब जायज नाजायज का लिहाज करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी, ये एक मुनाफिकाना सोच है। ये अल्लाह की कुदरत से बाखबर ना होने का नतीजा है, नुकसान है। तो हालात के आने के बाद देखना यह है कि इन हालात में हुक्म क्या है, इन हालात में सरकार ने क्या किया है, अल्लाह का क्या हुक्म है। सहाबा पर जब ऐसे हालात आए थे तो उन्होंने क्या किया था, यह हमारे सामने बिल्कुल आईने की तरह वाजे है, उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सानिहा पेश आया है, हुजूर का बिल्कुल आखिरी वक्त था। अपनी जिंदगी में हुजूर ने हजरत उसामा के लश्कर के रवाना होने का फैसला फरमा दिया था, उसके बाद ही हुजूर के इंतकाल का वाकया पेश आया। जब इंतकाल का वाकया पेश आया तो कई किस्म के हालात पेश आए उम्मत को। सबसे बड़ा वाकया यह हुआ कि कैसरे रूम अपने लाओ लश्कर के साथ मदीने की तरफ चलने का फैसला लिया, और उसमें खुद कैसरे रूम भी शरीक था। जब तक हुजूर बाहयात थे वो डरता रहा कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके साथ तो अल्लाह की मदद होती है, जब नबी पर्दा फरमाएंगे वो फिर वो मदद साथ नहीं रहेगी, इसलिए इनके मरने का इंतजार करो। तो इंतजार करता रहा। जब इंतकाल हुआ तो रूम के बादशाह को कैसर कहते हैं, कैसर किसी आदमी का नाम नहीं है, जो भी रूम का बादशाह बनता था उसका लकब कैसर होता था। जैसे ईरान के हर बादशाह का लकब किसरा है,
मिस्र के हर बादशाह का लकब फिरौन है। तो वो अपना लश्कर लेकर मदीना आया। इधर मुसलमा कज़्ज़ाब ने देखा कि लोग नबूवत पर जान निसार हैं, तो उसने नबूवत का दावा कर दिया कि शोहरत हासिल करने, सस्ती शोहरत हासिल करने का बड़ा अच्छा तरीका है। इधर अरब के कबाइल मुर्तद हो गए, इसलिए कि फतेह मक्के के मौके पर ऐसे लोग भी मुसलमान हुए जो मुजाहदे की भट्टी में नहीं तपे थे। तो ये तीन किस्म के बड़े बड़े वाकियात पेश आए। हजरत सिद्दीक अकबर मौजूद नहीं थे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त। उनका घर मदीने से थोड़ी दूरी पर था। जब खबर मिली तो सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए और देखा कि इधर फारूक आजम मेंबर के पास खड़े होकर बहुत पुरजोर और पुरजोश लबो लहजे में तकरीर फरमा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हुजूर का इंतकाल नहीं हुआ। जिस तरह हुजूर मेराज पर तशरीफ ले गए थे, इस तरह गए फिर आएंगे, हुजूर की रूह कब्ज नहीं हुई है, इस तरह की तकरीर। और जो ये कहेगा कि हुजूर का इंतकाल हुआ है, मैं तलवार से उसकी गर्दन जुदा कर दूंगा, ये तकरीर चल रही है। और किसकी मजाल फारूक आजम के सामने बोलने की, सिद्दीक अकबर आए हैं। सीधा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा रहे थे, हुजरे आयशा इस वक्त जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे, वहीं हुजूर का इंतकाल हुआ था। गए और चादर उठाई, उसके बाद हुजूर के माथे को बोसा दिया और यह फरमाया, तिबता हयन व मयतन, आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा, आप यहां से तशरीफ ले गए तब भी जो आप पाकीज़ा हैं और जो काबिल एहतराम है, यह फरमाया। उसके बाद चादर उड़ा दी। यहां फारूक आजम तकरीर कर रहे हैं, यहां आकर के बहुत ताकतवर तकरीर की सिद्दीक अकबर ने। काम करने वालों को दीन का सिद्दीक अकबर के तरीके को अपनाना चाहिए। सिद्दीक अकबर जब हालात आए तो सिद्दीक अकबर सबसे बड़े आशिक़े ज़ार थे, सरकार के जान निसार थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हौसला इतना कि इंतकाल हुआ, इससे बड़ा कोई वाकया नहीं, आशिक सबसे बड़े। लेकिन वहां गए और तकरीर शुरू कर दी। इधर फारूक आजम की तकरीर जारी, इधर सिद्दीक अकबर ने तकरीर शुरू कर दी, सारे लोग उधर मतवज्जो हो गए। और उसके बाद हजरत ने फरमाया कि उसामा का लश्कर रवाना होगा, ये फरमाया। तो फारूक आजम ने कहा, हजरत अभी सरकार का इंतकाल हुआ है, अभी जरा तवक्कुफ फरमाए। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हुजूर ने फैसला फरमा दिया है, हुजूर के फैसले को ना मानने की वजह से वह हद में नुकसान उठाना पड़ा। तीर अंदाजों को एक दर्रे पर हुजूर ने मुकर्रर फरमाया था, इश्तिहादी खता हुई साहबा से, इख्तलाफ हुआ आपस में, तो नुकसान उठाना पड़ा साहबा को। कहते इस तरह हम दोबारा नुकसान नहीं उठाना चाहते, भेजो लश्कर को। आप समझ रहे हालात कितने नाजुक हैं। और दूसरी तरफ मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया, उसी वक्त से चल रहा है।
नबुव्वत के झूठे दावे करने वालों का सिलसिला वहीं से चल रहा है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही तो हम खत्मे नबुव्वत पर, इमाम मेहदी पर और हजरत ईसा पर हम आइंदा जुमा कलाम करेंगे तफसील से इंशाअल्लाह। जरूरत फिर पड़ रही, इससे पहले भी मैंने कलाम किया है हजरत इमाम मेहदी पर, इस पर बहुत पहले से लोगों ने किताबें लिख रखी हैं। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी एक किताब है कौलुल मुख्तसर फी इमामिल महदिल मुंतजर, उसमें इमाम मेहदी की 200 अलामतों का जिक्र है। इंशाअल्लाह उस पर तफसील से कलाम करेंगे। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, इज़र कबाइल ने कबाइल मुर्तद हो गए अरब कबाइल, तो हजरत फारूक आजम ने मदीने के लोगों को जिहाद का हुक्म दिया। फारूक आजम ने फिर कहा कि हजरत मदीने में रहने दीजिए, बहुत मुख्तसर मजमा है। तो हजरत ने यह जवाब दिया, बहुत गौर से सुनने की बात है, यहां कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, वहां तो मसला ईमान की हिफाजत का है, मदीना खाली हो गया तो औरतों की जान का मसला है, जब टकराऊ हो जान की और ईमान की हिफाजत में तो हम ईमान की हिफाजत को तरजीह देंगे। यह हजरत सिद्दीक अकबर ने फैसला सुनाया। फारूक आजम ने जरा तवक्कुफ के लिए फरमाया तो उन्हें डांटा और यह फरमाया कि तुम तो बड़े बहादुर बनते थे जब जाहिलियत में थे, और अब इस्लाम लाने के बाद जो वो बुजदिली दिखा रहे हो, ये कहते सीने पर एक घूंसा मारा सिद्दीक अकबर ने और यह कहा अगर कोई तैयार नहीं होगा आज अल्लाह की राह में सिद्दीक अकबर तने तनहा जान देगा। यह है कुव्वत फैसला, यह है हालात से न घबराना, यह है हालात जब आए उस वक्त अल्लाह के हुक्म को तलाश करना। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके उसवे को तलाश करना कि इससे पहले लोगों ने क्या किया, हुजूर ने इस मौके पर क्या किया। तो मैं बातें चल रही थी, मक्के के लोगों ने मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी, होता है ऐसा। एक मुखलिस का मतलब यह हुआ, मुखलिस को भी कभी हार माननी पड़ती है बजाहिर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दो वाकियात ऐसे हैं जिसमें बजाहिर शिकस्त नजर आती है, एक हिजरत का वाकिया और एक हुस्ले हुदैबिया में दबकर सुलह करने का वाकिया। मक्का छोड़कर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, ये कोई मामूली वाकिया नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले सिद्दीक अकबर को यह बताया था कि मैं ऐसा लगता है कि हमें हिजरत करनी पड़ेगी, हालात बता रहे थे ऐसे। तो इसका मतलब यह हुआ हिजरत कोई मामूली बात नहीं थी कि एक आदमी परदेश में आया है कमाने के लिए। वो जो आदमी परदेसी होता है वो परदेश में अपनी कोई जायदाद नहीं बनाता, ये हुजूर के लिए परदेश नहीं था, वो तो वतन था, वही हुजूर पैदा हुए थे, वही उनके वालिद थे, वालिदा थी, उनके पूरा खानदान था, बरादरी थी, दादा थे, पूरा कबीला था, सरदारान मक्का हुजूर के खास लोग थे, ये पूरा खानदान, पूरा कबीला, पूरा वतन, रिश्तेदार
और इसी तरह अपनी जायदाद, इसलिए कि हुजूर के साथ जो उस दिन सहाबा ने हिजरत की थी उसमें मालदार सहाबा भी थे, उन सब ने हिजरत की। इसका मतलब यह हुआ कि अकीदे की हिफाजत के लिए और जहां इस्लाम को पेश करने में तंगी पेश आए वहां से उसके लिए आदमी अपनी हर चीज को कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपनी जान और माल की हिफाजत को तरजीह नहीं दे सकता कि भैया जान का खतरा है, यहां माल का खतरा है, यहां रिश्तेदारों का खतरा है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम अकीदे का सौदा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हिजरत के वाकये का यही सबक है और इन हालात में इस सबक को अच्छी तरह याद कर लेने की जरूरत है कि मुसलमान को और मुसलमान के हर बच्चे को हर चीज की कुर्बानी जो है देनी पड़ेगी और मौका पड़ेगा तो, और मुसलमान हर चीज की कुर्बानी दे सकता है लेकिन अपने अकीदे का सौदा नहीं कर सकता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आ गया हिजरत का कि हिजरत करो। बाद रिवायतों में आता है कि इधर तो कुफ्फारे मक्का ने मशवरा किया दारुन नदवा में, उनका मीटिंग हॉल था, मीटिंग हॉल था वो, उन्होंने मशवरा किया क्या किया जाए। बाजों ने कहा कैद किया जाए, उसमें इबली से लईन भी उस मशवरे में शरीक हुआ, यह बूढ़े शख्स की शक्ल में। बाजों ने उसे पसंद नहीं किया, गया कैद किया जाए नहीं, उसे उनके साथी छुड़ा लेंगे। बाजों ने कहा कि दरबदर कर दिया जाए, जिला वतन कर दिया जाए, कहा नहीं यह भी ठीक नहीं, जहां जाएगा वहां के लोग अगर उसके मुआफिक हो गए तो फिर वह सब मिलकर हम पर हमला कर देंगे, इसे भी पसंद नहीं किया गया। अबू जहल ने एक राय दी, अबू जहल ने कहा हर कबीले का सरदार तलवार लेकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर ले, घेर लिया जाए और यह इसे देर ना की जाए, ये काम आज ही करना है। फिर हुआ उसके बाद, देखो जब दुश्मन के पास दलील नहीं होती तो वह दादागिरी पर उतर आता है, जब दुश्मन के पास दलील नहीं होती तो वह दादागिरी पर उतर आता है। यही हाल हजरत मूसा के साथ हुआ, यही हाल हजरत इब्राहिम, जब हजरत इब्राहिम ने दीन पेश किया या तो कबूल करो या तो हमें समझा दो, उन्होंने कबूल भी नहीं किया, समझाने समझा भी नहीं सके अपने दीन को, कहा कि भाई इसको आग में डाल दो, इसे आग में डाल दो। यहां भी यही हुआ, हुजूर की बात कबूल भी नहीं करते, हुजूर का जवाब भी नहीं देते, क्या तरीका, इसको खत्म कर दो, पहले से यही तरीका है, इसे अरेस्ट कर दो, गिरफ्तार कर दो, इसे कत्ल कर दो, इनके आमदनी के जराए को जराए पर रोक लगा दो, यह कोई नया तरीका नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा है शेबे अबी तालिब में 3 साल तक सरकार को और इसी तरह सहाबा को जेल में रखा गया, ये उस वक्त की जेल थी, 3 साल तक खाना नहीं पानी नहीं। इसका मतलब यह है अहलुल्ला तो दूर की बात है, सहाबा तो बात के लोग हैं, नबी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, नबी को भी जेल में डाला जा सकता है, दीन के लिए नबी को भी जेल में जाना पड़ता है। तो ऐसा हुआ कि सबने यह मशवरा किया, अबू जहल ने राय दी कि हुजूर के घर को घेर लिया जाए और यह काम आज ही रात होगा, देर नहीं करना नेक काम में, इसने यह मशवरा दिया। जो इबलीस से लईन शरीक था मशवरे में, उसने कहा यह मशवरा सबसे अच्छा है, यह मशवरा यही बस यही बात सबसे सही है, तय हो गई बात। उसके बाद यह हुआ और उसने यह कहा कि तरीका यह होगा हर कबीले का सरदार अपने हाथ में तलवार लेकर
हुजूर के घर को घेर ले। जब हुजूर घर से बाहर आए सब बैक वक्त हमला कर दे ताकि कोई एक नाम नोटेड ना हो और सब पर यह बात तकसीम हो जाए। और कुरैश सारे कबीलों का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लिहाजा पैसे पर आकर बात खत्म हो जाएगी कि भाई इतने पैसे दे दो हमें मामला रफा दफा करते हैं। माम आकर आखिर यहां यह नतीजा निकलेगा, बात तय हो गई। तो उसके बाद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों पहले तो बताया गया, बाद रिवायतों में है कि तीन शहर के नाम लिए गए और ख्वाब में बताया गया। नबुव्वत की इब्तिदा भी ख्वाबों से हुई, ख्वाब बड़े काम की चीज है। अगर कोई सलीमुल फितरत आदमी देखे और कोई माहिर ख्वाब की ताबीर देने वाला हो यह बड़े काम की चीज है। तो ख्वाब दिखाया गया और बाद में मदीने को मुतय्यन कर दिया गया। इधर यह मशवरा हो रहा है, दुश्मन यह समझता है कि हम ही अकलमंद हैं, हम ताकतवर हैं, हम ही तदबीर करने वाले हैं। वो मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने भी एक तदबीर की, अल्लाह ने भी एक तदबीर की। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने यह किया कि जिब्रील को भेजा और कहा जाके हुजूर को बता दो कि इन लोगों ने आपको जान से मारने का मशवरा किया है, लिहाजा आज रात आप अपने घर में नहीं सोएंगे। ये जिब्रील अमीन ने कहा आकर के, और फिर यह भी बताया कि आपको हिजरत करने का हुक्म दिया गया है और हिजरत मदीने की तरफ करना है। उसके बाद हुजूर ने पूछा मेरे साथ कौन चलेगा, तो जिब्रील ने कहा अबू बकर तुम्हारे साथ जाएगा। तो जगह बता दी गई, जिब्रील ने अमीन ने हुक्म दे दिया गया, कुफ्फार के मशवरों की इत्तला दे दी गई कि वो ये मंसूबा बना रहे हैं, उनका ये प्लान है। लिहाजा हुजूर सिद्दीक अकबर के पास गए। सिद्दीक अकबर दो ऊंटियां, इसलिए बहुत पहले हुजूर ने उनको यह कह रखा था कभी भी हिजरत का हुक्म आ सकता है, दो ऊंटियां पाल रखी थी, छह या चार महीने से बबूल के पत्ते खिला रहे थे ताकि सफर के काबिल हो। सिद्दीक अकबर इंतजार थे सुबह शाम, तो इन बुखारी की रिवायत है दोपहर का वक्त है, 26 सफर है और अंग्रेजी एतबार से सितंबर का महीना है और ये हिजरत का 14वां साल है नबुवत का, नबुवत मिलकर 14 साल हुए, 14वें साल ये हुक्म आया। तो सिद्दीक अकबर के पास गए, कहा अबू बकर आ गया हुक्म। तो अबू बकर ने कहा कि हुजूर आपके साथ सफर में साथ रहने की इजाजत मिलेगी? कहा जिब्रील ने कहा कि मेरे साथ तुम रहोगे। तो सिद्दीक अकबर के आंखों से आंसू आ गए, सिद्दीक अकबर के आंखों से आंसू आ गए। हजरत आयशा कहती है कि पहली मर्तबा मुझे पता चला कि आदमी खुशी में भी रोता है, मुझे यह मालूम था आदमी गम में रोता है, आज ही पहली मर्तबा पता चला कि आदमी जो गम में भी रोता है खुशी में भी रोता है, खुशी में भी आदमी में आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो यह कहा, तो दो हुजूर ने कहा हुजूर दो उल्टियां हैं, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। तो कहा कि अबू बकर आज हदिया कबूल नहीं करूंगा। अबू बकर ने अपनी जान भी अपनी माल भी हुजूर के लिए वक्फ कर रखा था और दुनिया आज फिर तलाश कर रही है सिद्दीक अकबर को, पूरी दुनिया में इर्तेदाद है इतना साबित कदम रहने वाला, इतने हौसले वाला और जान निसार दीन पर मर मिटने वाला हुजूर और हुजूर के दीन का आशिक जार, अपने माल की को दांव पे लगा देने वाला को फिर शरीयत की आंखें तलाश कर रही है ऐसे खुशकिस्मत आदमी को कोई कहने के लिए तैयार नहीं। पूरी कायनात में सन्नाटा छा रही है, नमाज पढ़ने वाले मौजूद, जिक्र करने वाले मौजूद, तिलावत करने वाले मौजूद, इमामे बांधने वाले मौजूद, दाढ़ी रखने वाले मौजूद, रोजा उम्रे हज पर हज
करने वाले मौजूद, लेकिन कोई ये कहने तैयार नहीं हुजूर के दीन के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी, जान की तो जान, माल की जरूरत पड़ी तो मेरा माल हाजिर है। दो मर्तबा चंदा देकर तीसरी मर्तबा चंदा देने मालदार तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि भाई ये मदरसे वालों को चंदे की पड़ी है। सिद्दीक अकबर के पास 40,000 दिरहम थे जब ईमान लाए थे, जब हिजरत कर रहे थे, कहते उनके पास सिर्फ ये कि 2,000 दिरहम बाकी रह गए थे। सिद्दीक अकबर का काम यह था जो गुलाम होते थे उनको आजाद करके आजाद कर देते थे, जिन गुलाम जो गुलाम होते थे मुसलमान गुलाम और जुल्म सितम से रहे हैं जालिमों के, उनको आजाद कर देना, यही काम हजरत सिद्दीक अकबर का था। सारा पैसा लुटा दिया, सारे लोग लेने में है, लेकिन कोई ये कहने तैयार नहीं भाई हुजूर के दीन के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं मालदारों को अपनी आमदनी का 10-20-50% हिस्सा दीन के लिए वक्फ कर दो, इस वक्त इसकी जरूरत है। बेशुमार महाज ऐसे हैं जो पैसों की वजह से रुके हुए हैं और दुनिया अस्बाब से चलती है। अगर हमने दीन के साथ ऐसी नाकदरी का मामला किया तो अल्लाह इन नाकदर दानों को दरमियान से हटाकर कदर दानों के मजमे को पैदा करेंगे, यही अल्लाह की सुन्नत है। जो इमाम मेहदी के लश्कर के सिपाही बनेंगे, और वह वक्त आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था सिद्दीक अकबर ने दो ऊंटियां पेश की, कहा अबू बकर सफर में साथ तो रहो लेकिन ऊंटनी आज हदिया नहीं कीमत लूंगा, ताकि जो है हिजरत के लिए माल भी मेरा ही लगे। ये फरमा सरकार जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद जो है यहां ये हुआ कि हुजूर सिद्दीक अकबर के घर गए, और यहां यह हुआ कि हजरत अली को बिस्तर पर लिटा दिया और कहा कि हरी चादर ओढ़कर सो जाओ, और अली तसल्ली रखना तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। पेशगोई फरमाई, नबी नबूवत का दावा भी करता है, कदम कदम पर अपने नबी होने की दलील भी पेश करते रहता है। फरमाया तुम मदीने आकर के मिलोगे, सुला दिया, जो कुफार की अमानतें थी वह अली के हवाले कर दिया सरकार ने, यह अमानतें पहुंचा कर के आओ। अजीब मुतजाद मामला था, मुखालफत भी जारी, अमानतें रखने का मौका आता तो कुफार को हुजूर से बेहतर कोई नजर नहीं आता था, गोया दिल हुजूर से हुजूर की तरफ झुके हुए थे, जबाने मुखालफत कर रही थी, वह तकबर झुकने नहीं देता था। वह तकबर झुकने, ये तकबर सबसे बड़ी रुकावट है ईमान के रास्ते में, इल्म के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये जो है वह तकबर है। बेईमान को ईमान लाने नहीं देता, ईमान वाले को इल्म हासिल करने नहीं देता, यह तकबर इतनी बड़ी रुकावट है रास्ते की। खैर तो ऐसा हुआ, सरकार दो आलम हजरत अली को सुला दिए, सारे कुफार खड़े हैं घर के अतराफ और इंतजार में हैं, हुजूर बाहर निकलेंगे तो हम गर्दन उड़ा देंगे, इंतजार में हैं। तो हुजूर को हुक्म दिए, तो जब हुआ था तो एक दुआ तलखीन की गई थी, हिजरत का हुक्म भी, जगह बतला दी गई, सिद्दीक अकबर को साथ कर दिया गया, और इसी तरह जो दुआ भी सिखलाई कि आप ये दुआ पढ़ते रहें, रब्बी अदखिलनी मुनखला सिद्क वाखरिजनी मुखरजा सिद्क वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ अल्लाह अच्छे तरीके पर निकालिए और जहां जा रहा हूं वहां अच्छे लोग अता फरमाइए, अच्छे लोगों का मानना। हदीस पाक में आता है जिन लोगों के काम को दुनिया में अल्लाह चला देना चाहते हैं, अल्लाह ताला उस मुखलिस के लिए उसके बेहतरीन मुआविनीन अता फरमाते हैं, उसके इर्द गिर्द जो साथी होते हैं वो मुखलिसीन को जमा कर देते हैं, कदरदानों को जमा कर देते हैं। ये अल्लाह का तरीका है।
तो हुजूर ने यह दुआ मांगी और यह दुआ यह भी उसमें जुमला यह भी है, जहां मैं जा रहा हूं ऐ अल्लाह मुझे सल्तनत अता फरमाइए, इसलिए कि अब उसकी भी जरूरत है और आज भी अगर कोई मुखलिस है और उसका दिल का राब्ता अल्लाह के साथ बिल्कुल ठीक है तो वह आदमी अल्लाह से माल भी मांग सकता है, अल्लाह से गलबा भी मांग सकता है, अल्लाह से अपना एक इख्तदार भी मांग सकता है। हजरत सुलेमान ने मांगा था कि अल्लाह ऐसी हुकूमत अता फरमाइए जो मेरे बाद अब किसी को ना दीजिए, उसके ज़ैल में भी मुफस्सिर ने लिखा या हुजूर ने भी मांगा और कहा मुझे गलबा अता फरमाइए, मुझे सल्तनत अता फरमाइए और ऐसी सल्तनत कि वो सल्तनत आपकी मदद से खाली ना हो, आपकी मदद भी शामिल हाल हो। इसलिए कि एक आदमी को हुकूमत तो मिल गई लेकिन अल्लाह की मदद उठा ली गई, तो जिसके सर से अल्लाह की मदद उठा ली जाती है जिल्लत उसकी किस्मत बन जाती है, वह आदमी जलील हो जाता है रुस्वा हो जाता है, यही अल्लाह का तरीका है। तो इधर तो यह हुआ कि हुजूर तो रात में हुजूर जो है हुजूर को एक तो दुआ सलकिन की गई और कहा गया कि यासीन पढ़ते हुए मिट्टी लीजिए, मिट्टी लेकर आप इस मिट्टी को फेंकिए, फेंककर आप गुजर जाइए। तो चंद मिनट के लिए वो जो घर के बाहर खड़े थे अल्लाह की कुदरत कैसी आ रही है आप अंदाजा लगा रहे हैं, अल्लाह की कुदरत को आपको कुफार नजर आ रहे हैं, सरदार नजर आ रहे हैं, हुकूमत नजर आ रही है, खजाने नजर आ रहे हैं, अल्लाह की कुदरत नजर नहीं आती, अल्लाह की मदद नजर नहीं आती, अल्लाह के खजानों को अल्लाह ने जो है वो पर्दे खिफा में रखा है वो नहीं आता, इसी को ईमान बिल गैब कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत वही है काम मिट्टी लेकर मुट्ठी भर मिट्टी लेकर फेंको, इतना काम तुम्हारा है, आगे का काम मेरा। फेंका कंकरियां फेंकने से आदमी अंधा तो नहीं होता लेकिन रिवायतों में आता है दो चार मिनट के लिए सारे लोग अंधे हो गए, उन्हीं के दरमियान से कैसा कुदरत का मुजाहरा हो रहा है, कैसा इंसान को उसकी बेबसी और उसकी लाचारी और जो है उसके जो है वो जलील होने को कैसे बताया जाता है, इंसान के हैसियत का नजारा कैसे कराया जाता है। तो उन्हीं के दरमियान तलवार लेकर खड़े हैं, अंधे बना दिया अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान से, हुजूर फाग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून पढ़ते हुए गुजर गए चले गए। किसी आने वाले ने देखकर कहा अरे नादानो क्यों खड़े हो, कहा हुजूर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अरे वो तो गए। उसके बाद जो है जो अब्दुल्ला बिन अबू बकर हुजूर के बेटे थे वो खबरें लाकर सुनाते थे हुजूर को, ये कोई अय्यारी नहीं, दुश्मन की मंसूबों से बाखबर रहना ये सुन्नत है। ये तो मैंने ये कहा हालात जब आए तो बिल्कुल कदम जमा दो, एक आंसू नहीं आया सिद्दीकी अकबर के आंसू आंखों में, क्यों इतना बड़ा उम्मत का जिम्मेदार के आंखों में आंसू आ गए, जैसे बाप का इंतकाल होता है घर का बड़े बेटे के आंखों में आंसू आ गए छोटे भाई क्या करेंगे, मां को कौन संभालेगा, इतना बड़ा जिम्मेदार हुजूर से उठा लिए जाने के बाद उम्मत का सबसे बड़ा जिम्मेदार। तो उसके बाद जो है तो लेकर गए नबुवत की अमानत को, हैरान की बात है सोचने की, मैंने बहुत पहले एक मरतबा सिरातल लजीन आनम था अलैहिम की तफसीर बड़े तफसील से मैंने की है और कई जगह मैंने की है और मैंने उसमें बताया है कि सिरातल लजीना अनमता अलैहिम में की तफसीर में कुरान मजीद में जो सिद्दीकीन का लफ्ज आया है उसका सबसे पहला मिज़दाक सिद्दीक अकबर है, गोया कुरान यह कहना चाहता है कि अल्लाह हमें अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चला, क्या रास्ता है वो मैं बहुत तफसील से फिर बताऊंगा, लेकिन सिद्दीक अकबर जिस शख्सियत का नाम है उसका एक सबसे बड़ा उंसुर यह है कि उसने अपने सारे माल को 10 रुपए का चंदा, 1000 रुपए का चंदा, 50,000 का चंदा नहीं, पूरे का पूरा माल तेरे लिए, जो चाहे कर तेरी मर्जी, यह सिद्दीक अकबर का सबसे अहम पहलू है।
ऐसे लोगों को इस वक्त इस्लाम फिर तलाश कर रहा है। दूसरा जान निसारी, सरकार के साथ वफादारी का सबूत। और इसी तरह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर मर मिटने का जो जज्बा सिद्दीक अकबर के अंदर था और जो हौसला था, ये सिद्दीक अकबर के इम्तियाजात थे। सिद्दीक अकबर ये अब्दुल्ला बिन जो है वो अबू बकर जो बेटे थे अब हजरत अबू बकर के, उनको तो ये कहा कि तुम मक्के वालों की खबरें ला करके रिपोर्टिंग करो। रात में गार के पास जाते थे और वो पूरी की पूरी खबरें सुनाते थे। और एक इब्ने अरीकित थे जो काफिर था, भी इस्लाम नहीं लाए, बाद में लिखा इब्ने हजर वगैरह ने, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। उनको रास्ता मालूम था, जो रास्ता मशहूर था उस रास्ते से जाना नहीं था सरकार को। यह भी एक बहुत अजीब बात है, रिवायतों में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जाना होता था इधर, कहते थे मुझे इधर जाना है, जाना होता था इधर, कहते थे मुझे इधर जाना है। लोगों ने सीरत को सियासी नुक्ते नजर से कभी पढ़ा नहीं और कभी उलमा ने उम्मत के सामने उसको समझाया नहीं कि हुजूर कितने बड़े कायद थे। तो खैर, रास्ता बदल करके सरकार ने सफर किया और असबाब कैसे इख्तियार कर रहे हैं, यह भी तो मुमकिन था ना कि जिब्रील आते अबू बकर और जो है वो हुजूर को एक पर में उठाकर बड़ी हिफाजत से ले जाकर मस्जिद नबी में बिठा देते। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग सोचते हैं दुआ करो दुआ करो, भाई हुजूर से बढ़कर दुआ करने वाला कौन? दुआ तो उन्होंने उम्मत को सिखाई है, लेकिन चेहरा जख्मी अस्मा के हजरत इसी हिजरत के वाकये पर हजरत अस्मा जो अबू बकर की जो है साली, अबू बकर की बेटी है छोटी, हुजूर की साली साहिबा हजरत आयशा से छोटी या बड़ी मेरे जहन में नहीं, तो अबू जहल ने मारा तो कान फटकर कान की बाली नीचे गिरी, दंदा ने मुबारक शहीद हुए। जोर वहां में कितने साहबा शहीद हुए। तो मैं कह रहा था असबाब के रास्ते से लेकर चला जाता है ताकि बाद में आने वालों को उन्हीं रास्ते पर चलने के लिए मशाले राह मिले कि हालात का मुकाबला कैसे किया जाता है। अल्लाह की कुदरत का नजारा कराया जा रहा है कि अबू बकर लेकर के गए गार तक पहुंचे, गार का पहाड़, पहाड़ में गार, उसका नाम सौर, एक का नाम हीरा, वो जबल नूर है वो अलग है, एक है सौर। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अब जो रास्ता मदीने को जाता है मक्के से, ये वही रास्ता है जो गारे सौर से होकर जाता है। मुझे हिम्मत नहीं हुई औरतें मेरे साथ थी, अब क्या इरादा है, अगर सफर हुआ तो गारे सौर देखेंगे। तो गारे सौर गए और उंगलियों के बल पर गए, उंगलियों को टेकते हुए, पैर नहीं। क्यों? इसलिए कि पैर रख के जाएंगे, ऐसे माहिरीन मौजूद थे कि उन पैरों के निशाने कदम को तलाश करते करते पकड़ लेते थे आदमी को। हैरतनाक महारत थी, उंगलियों के बल सरकार गए हिजरत को पहाड़ी पर चढ़कर वहां तक। उसके बाद जो है सिद्दीक अकबर उस नबूवत को अपने कंधों पर लेकर गारे सौर तक गए और कहा ठहरिए, यही ठहरिए, मैं अंदर पहले जाकर देखता हूं। यह है अदब सफाई की, गारे हिरा की सफाई की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने का हुक्म दिया। और भी कुछ इसमें अहम इशारे मौजूद हैं हिजरत के वाकये में, फिर मैं इंशाअल्लाह जो है वो आपको सुनाऊंगा। अल्लाह, वक्त हो गया, अल्लाह जज़ाए खैर दे और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।